हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये देखिए, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ बना के दिखाती हूँ कि आप घर पे बचे हुए कपड़ों से आप अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, बड़ों के लिए, किसी के लिए भी हेयर बैंड कैसे बना सकते हो। नाप मैंने लिख दी है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपको 15 इंची लंबा ये कपड़ा लेना है और ये 6 इंची चौड़ाई है, और इसमें एक मोटा कपड़ा और छोटा बीच में लेके लगा लें इस प्रकार से, और तीनों को इस प्रकार से यहाँ से आप सिलाई मार लें। तीनों की नाप मैंने बता दी है, उसमें देख के आप इसको सिलाई लगा के आप इस प्रकार से सीधा कर लें। आप देखिए, फटाफट से हेयर बैंड बना सकते हो। इन तीनों को आप इस प्रकार से सीधा कर लें। बीच में कपड़ा मैंने इसलिए लगाया है कि ताकि बीच में से हेयर बैंड थोड़ा टाइट रहे। ये देखिए, ये इलास्टिक है, इसकी लंबाई 5 इंची है। इसमें पिन लगा के मैं अंदर इसको डाल देती हूँ, जो बीच वाली पट्टी थी जिसकी लंबाई 8 इंची थी और चौड़ाई 3 इंची। ये देखिए, इसमें डाल के इसे दोनों सिरों से हम सिल देते हैं ताकि इलास्टिक निकले नहीं। ये देखिए, यहाँ से और इधर से, ये देखिए, ये सिल के रेडी है। अब मैं इसमें देखिए ऐसे छोटी छोटी प्लेट्स डाल लेती हूँ। ऐसे आप घुमा घुमा के इसको बीचों बीच इस प्रकार से प्लेट्स डाल के और टाइट पकड़ लें। ये देखिए, अब जो सबसे छोटी पट्टी है उसको लेकर इस पर राउंड वाइज इस प्रकार से धागा और सुई लें और उसकी सहायता से इस प्रकार से इसको अंदर की साइड से लगाते हुए इसको सुई की सहायता से टांग दें। ये देखिए, और इस पट्टी को आप इस पर राउंड राउंड घुमा के पूरा लगा दें। बीच में इसे हेयर बैंड यहाँ से अच्छा खूबसूरत लगेगा। ये देखिए, इसको मैंने इस प्रकार से सेट कर दिया है। ये देखिए, अब मैं आपको ये इलास्टिक लगा के दिखाती हूँ। पीछे की साइड में आपको इलास्टिक लगानी है। ये इस प्रकार से घुमा के आप इसको यहाँ से सिलाई लगा दें। ये देखिए, इस प्रकार से सीधी हो जाएगी। और ऐसे ही आपको इधर से भी इसको जॉइंट करना है ऐसे। ये देखिए, दोनों सिरे सिल चुके हैं, और अब मैं इसको सीधा करके दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारा हेयर बैंड अपन के रेडी है। आप हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं, और हमारी वीडियो को एंड तक देखने के लिए।